और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, पटना में शहीद स्थल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं तेजस्वी यादव ने इस मौके पर बीजेपी पर भी हमला बोला। गया था हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद क्या कर रहे हैं, इसलिए सब बेकार चीज सोच रहे हैं। जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं अंतर से हमारे पार्टी में सब लोग की इच्छा, क्या आपको मालूम है? दूसरे राज्यों के लोग आए जो हमारी पार्टी को और अन्य राज्यों में मत सब जगह के लोग क्या कर रहे थे, वो जो था अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए सर, आप दोनों लोग यहाँ पे नीतीश कुमार जी है और हम लोग मजबूरी के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। जो लोगों को चिंता हो रही है, कई बार फोन किया, इससे बाहर जाने का उनको 24 की चिंता होगा।